हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचन एट मेरम। और आज हम लोग आए अपने नासिर रोड साइड पर, जहां पर 2 BHK फ्लैट को हम फुल रेनोवेट कर रहे हैं, वो भी 1.5 mm के एक्रेलिक में। अगर आप भी अपने घर को पूरा लैविश लुक देना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। इससे पहले के वीडियो स्टार्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। तो इस पूरे 2 BHK को आप पहले पूरा रनिंग टूर देख लीजिए, देन उसके बाद मैं आपको क्विकली क्विकली एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हमारा एंट्रेंस एरिया विद बीच मैसेज जाली, और यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन दिया है, मार्बल फिनिश एंड वुडन फिनिश के दो लैमिनेट के साथ। यहाँ पे मेन डोर को भी कुछ उसी थीम से क्रिएट किया गया है। यहाँ पे नीस था जिसकी डीप लगभग 8 इंच की थी, तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल डोर जो कि विद पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ, और यहाँ पे मिरर लुक, ताकि आप बाहर से आ रहे हो आपका की बैग्स जो भी आप इजिली इसके अंदर हैंग कर सकते हो। नीचे दो डोर्स है इन्वर्टर के लिए, और वेंटिलेशन के लिए दो जाली क्रिएट की गई है। यहाँ पे पूरे एक्रेलिक में, ग्रे कलर के एक्रेलिक में हमने फ्रेमिंग दे दी है। हाँ, अगर आप भी एक्रेलिक का प्लान कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए, आप मैट फिनिश के साथ ही जाना, ग्लोसी के साथ मत जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली एक्रेलिक एक्स्ट्रा ग्लोसी होता है और आपकी लाइट तो बहुत ज़्यादा आंखों को चुभेगा, तो मैट फिनिश के साथ जाइए। जैसे यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन है ग्रे एंड वाइट का, दोनों साइड पर स्टोरेज, तो ये हमारा स्टीविनिट एरिया, बैक साइड के एरिया पे दोनों साइड स्टोरेज, और बीच में सोफा कम बेड का एरिया। बैक साइड की वॉल पे हमने पूरा एक्रेलिक क्रिएट कर दिया, तो आप चाहे तो फ्यूचर में यहाँ पे फ्रेम एंड लाइट जो भी आप है उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा किचन, तो यहाँ पे हमने वॉल को जस्ट फ्रेम दे दी है ग्रे कलर की। यहाँ पे हमारा डाइनिंग वाला एरिया है, उसके ऊपर ब्लैक प्रिंटेड डोर एल शेप में। ये हमारा बालकनी वाला एरिया है, तो बालकनी को हमने पूरा ग्रे कलर का थीम दे दिया है। यहाँ पे पूरा फ्रेमिंग वर्क, यहाँ पर हमारा पूरा यूटिलिटी मटेरियल लाइक जो भी हमारा झाड़ू है, पोछा है, मॉप है, वो सारी चीजें आप इसमें हैंग कीजिए, और आपका जितना भी डिटर्जेंट का मटेरियल उसमें स्टोर कीजिए। यहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स, लाइट पॉइंट एंड नल, सारी चीजें यहाँ पर है, वॉशिंग मशीन यहाँ पर है, उससे रिलेटेड सारी चीजें आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसे शटर्स आ जाएगा तो ये पैक हो जाएगा। देन उसके बाद ये हमारा किचन वाला एरिया, किचन में हमारी यहाँ पे दो पैंट्री है दो शटर के ऊपर। यहाँ पर हमारा मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग स्टोरेज, देन यहाँ पे हमारे वीकर बास्केट्स, यहाँ पे प्रोफाइल डोर मिक्सर जूसर के लिए, यहाँ पे हम लोग सारी चीजें हैं OTG माइक्रोवेव और उसके लिए, ताकि आप अंदर ना जाते हुए जैसे बाहर पुश करके आप इजीली यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा प्रोफाइल, यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर का रोलिंग शटर आ जाएगा थीम को मैच करने के लिए। देन यहाँ पे हमारा पूरा टेंडम हो जाएगा नीचे की तरफ, पहले इसका जो स्टोन था वो ब्लैक कलर का था, अभी हमने व्हाइट कलर में ले लिया है। यहाँ पे जो मेन सिंक था उसका भी ब्लैक कलर का था, लेकिन अभी हमने इसे व्हाइट में क्रिएट कर दिया, वो काफी ज्यादा बड़ा था तो हमने साइज में थोड़ा कन्वर्ट कर लिया है। पहले हमारा जो भी था वो आरओ वो ऊपर की तरफ था, अभी हमने इसे नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है और नल ऊपर की तरफ ले लिया है कुछ इस तरह से। ये जैसे कि मैंने कहा थोड़ा ओल्ड बिल्डिंग थी, तो यहाँ पे हमें एक डक मिला था जिसकी डीप लगभग 23 से 24 इंच थी, तो यहाँ पे हम पूरा रोलिंग शटर दे देंगे ब्लैक कलर का, देन नीचे हम जस्ट कुछ डस्टबिन यूज करेंगे और ओपन रहेगा ये पूरा पैसेज। ये कवर अप हो गया, एल शेप में ऑलरेडी लॉक बना हुआ है, तो जो शटर लगा के हम इसे हाइड करेंगे और उसके अंदर चिमनी पाइप भी हाइड हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा कॉमन वॉशरूम वाला एरिया है। लेफ्ट एंड राइट साइड पे हमारे दो बेडरूम आ जाते हैं। पूरे ही वॉल्स की तरफ आप देखोगे हर तरफ पे हमने ग्रे कलर की फ्रेमिंग कर दी है, ताकि आप लोगों के जो भी हाथ के स्टैंप वगैरह है वो जल्दी लगेगी भी, आप इजीली क्लीन कर पाओगे। एक चीज़ मैं खास एक्सप्लेन करूँ, तो जितने भी डोर्स हैं सबके डोर्स की हमने व्हाइट कलर का एक्रेलिक शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे जस्ट वॉशरूम के मटेरियल के लिए आपके हैंड वॉश जो भी आप डिटर्जेंट के मटेरियल में यूज करना चाहो वो इजीली स्टोर करके यूज कर सकते हैं।
पहले हम इस बेडरूम में चले गए। जैसे इस बेडरूम में आप आ जाते हो तो यहाँ पे हमारा बेड है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे हमने वार्डरोब लिए है, क्लाइंट के स्टोरेज और उनकी नीड को समझते हुए सारा कुछ कस्टमाइज किया गया है। और पूरा एल शेप में लॉफ्ट बना हुआ था, एल ने एक्चुअली पूरा सी शेप में इधर लॉफ्ट दे दिया है पूरे शटर लगा के, पूरा वन पूरा व्हाइट कलर का एक्रेलिक के ऊपर। ये वाला एरिया बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी विंडो है, वहां पे हमने रेलिंग पूरा पैक करवा दिया। यहाँ पे जस्ट आप फ्यूचर में कुछ फ्रेमिंग, कुछ आपके मोटिवेशन थॉट्स वगैरह जो भी आप डेली नाइट में अपने आंखों के सामने रखना चाहते हैं वो सारी चीजों को आप यहाँ पर स्टिक कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे हमने एक स्पॉट लाइट दे दी है, जस्ट एक प्लेन सिटिंग एरिया और नीचे दो ड्रावर्स दे दी है। ये हमारा साइड टेबल है, ड्रावर का वार्डरोब का इनसाइड हमने पूरा कस्टमाइज किया गया है। और एक और अच्छी बात, यहाँ पे है हमारा बहुत प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल के अंदर की सारी लाइट्स कुछ इस तरह से है और यहाँ पे भी हमने पूरी प्रोफाइल लाइट दे दी है तो लुक काफी अच्छा आता है विंडो के साइड का। यहाँ पे हमारा सब कुछ और यहाँ पे हमने अंदर से दो डोर दिए हैं, मिरर वाला डोर हमने अंदर की तरफ रखा है। सारे शेल्फ्स को हमने कस्टमाइज किया है, वो अपने बॉटल्स की हाइट के हिसाब से कस्टमाइजेशन के साथ जाएंगे। यहाँ पे हमारा अंदर मिरर वाला डोर, ऊपर से जस्ट प्लेन डोर, नीचे सारे ड्रावर्स दे दिए स्टोरेज के लिए। सेम ये है, ये हमारा विंडो वाला एरिया है तो विंडो वाले के एरिया के नीचे हमें जितना भी एरिया मिला था वहाँ पे हमने सब ड्रावर्स दे दिए कुछ इस तरह से स्टोर करने के लिए। तो आप जितना चाहे आपके डेली यूज के क्लोथ्स वगैरह जो चाहे आप वो सारी चीज़ें इजी टू एक्सेस के लिए इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जितना ये डीप में है उतना ही डीप में हमें वार्डरोब में एक डक फेस हुआ था तो यहाँ पे हमने कुछ हिडन लॉकर ऑर्गेनाइज कर दिए। यहाँ पर भी सेम है तो जब मुझे इसे एक्सेस करना रहेगा तब मैं ये शेल्फ रिमूव करके ही उस डोर को एक्सेस कर पाऊंगी। तो ये कुछ इस तरह से है। देन यहाँ पे भी एक्चुअली बेड के ऊपर का टॉप रखा है वरना मैं इसके बैक साइड का एरिया दिखाती थी जहाँ पे कस्टमाइजेशन के लिए हमने वार्डरोब के अंदर ड्रावर सिस्टम दे दिया है क्लोथ को इजी टू यूज के लिए, तो वो मैं शॉट आपके साथ इंस्टा पर शेयर करूंगी। देन जैसे ही हम इस वाले बेडरूम में आ जाते हैं तो यहाँ पे भी हमने सेम कवरअप किए है फ्रेम, यहाँ का डोर का भी लैमेंट चेंज किया, पूरा व्हाइट थीम क्रिएट किया गया है। ये है हमारा वार्डरोब, एक्चुअल में ये हमारा स्पेशली मंदिर घर है, मंदिर बहुत ही प्यारा है, वो मैं आपसे एंड में शेयर करूंगी। ये हमारा वार्डरोब वाला एरिया हो गया कस्टमाइजेशन के साथ। यहाँ पे पूरा हमने एल शेप में लॉफ्ट ऊपर कवर अप कर लिया है, यहाँ के लॉफ्ट के डोर को हमने मिरर दिया है। एक्चुअल में सारे डोर्स के अंदर आपको एक इचिंग ग्लास की मिरर आ जाएगी। यहाँ पे पूरा हमारा स्टडी एरिया है तो हमारे कस्टमाइजेशन के हिसाब से कुछ इस तरह से लाइट बोर्ड वहां पर आ जाएगा। सेम उस बेडरूम में भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है कि हमारा विंडो का सिटिंग एरिया है तो इसके ऊपर जस्ट आप कुशन गद्दी वगैरह जो डाल के आराम से बैठ के काफी रिलैक्स फील कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो मैं इसका फाइनल शूट में भी आपको आइडियाज बता दूंगी। यहाँ पे भी सेम पढ़ना, हमने नीचे की तरफ ड्रावर्स दे दिए और यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक बार यूनिट क्रिएट किया गया है। लेफ्ट राइट एंड बैक साइड पे हमने 1.5 mm का एक्रेलिक यूज किया है जो कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, आप एक बॉटल रखोगे तो दो और चार नजर आएगी आपको कुछ इस तरह से। उसके ऊपर ब्लैक पेंटेड हम डोर दे देंगे तो लुक वाइज बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे भी जस्ट हमने स्टडी से रिलेटेड यहाँ पे पूरा एरिया कर दिया, तो ये स्टडी से रिलेटेड और छोटा सा स्टोरेज। और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग है जिसमें वो फिशिंग रॉड वगैरह रखने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमने स्पेशल दे दिया ताकि वो मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग इसे यूज कर सके। तो यहाँ पे हमारे पूरे पैक शटर चले जाएंगे, फिटिंग अभी भी बाकी है। देन उसके बाद ये पैसेज के बाद आ रहा है हमारा मंदिर घर। मंदिर घर बहुत ही प्यारा है क्योंकि हमने पूरा व्हाइट एक्रेलिक में से क्रिएट किया गया है और ये हमारा कुछ इस तरह से मंदिर है। अंदर की तरफ हमने सारे शेल्फ दे दिए हैं, लाइट शायद मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है लाइट का सेटअप अभी तक बाकी है तो इसके अंदर हम अपने हिसाब से पूरा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पीछे हमने गणपति बप्पा दे दिए और ये टॉप और कुछ इस तरह से हमने ट्रे दे दिया, तो जो भी आपको एक्स्ट्रा दिया वगैरह रखना है तो उस हिसाब से आप इसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। फिर नीचे दो ड्रावर मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग, यहाँ पे नीचे एक फूफी, जब भी हमें मंदिर में बैठ के जस्ट पूजा करनी रहेगी तो हम फूफी का यूज़ करेंगे। उसके बाद जस्ट स्टोरेज के लिए एक डोर, आप चाहे तो मंदिर को हाफ इसमें भी क्लोज कर सकते हैं, अगर आपका मन चाहे तो आप जैसे इसे पूरा ओपन करके कुछ इस तरह से भी बंद कर सकते हैं। तो ये हमारा मंदिर का लुक और यहाँ पे हमारा बेडरूम वाला वॉशरूम, तो जस्ट इसको भी हमने पूरा इस तरह से एक्रेलिक में क्रिएट कर दिया। तो फाइनली ये था हमारा 2 BHK का टूर। तो फाइनली ये पूरा हमारा 2 BHK का टूर था। अगर आप इसे शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका एक फाइनल शूट करूंगी जिसमें हम टाइम ड्यूरेशन, एक्चुअल मटेरियल और इसमें कितना कॉस्ट लगा वो सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से और काफी डीप में देखने वाले हैं।
तो प्लेलिस्ट में बने रहिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलता है किसी एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।